हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीता कॉर्नर में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 2-स्टेप प्रोसेस, जिससे कि हम अपने ग्रे हेयर को ब्लैक कर सकते हैं। तो ये है हमारा पहला स्टेप हीना पाउडर का। इसमें मैंने लिया आइस हीना पाउडर और मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा है ये। इसे लगाने के बाद बालों में कोई ड्राइनेस नहीं आती, ना ही इचिंग होती है और बाल काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ हो जाते हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये है इसकी कि इसको लगाने के बाद ना, अगर हम कॉम्बिंग करते हैं बालों को, तो उसमें से ना चूरा चूरा जैसे मेहंदी का निकलता है। जैसे मैं पहले नया ब्रांड की लगाती थी तो काफ़ी चूरा चूरा सा निकलता था, बाल काफ़ी ड्राई हो जाते थे और टॉवल पे भी कलर लग जाता था। तो इस पर ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब इसमें ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो यहाँ पर ले रही हूँ चाय पत्ती का पानी, इसे मैं हीना में ऐड कर रही हूँ और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो देखिए कितना अच्छा सा पैक तैयार हो गया है। अब इस पैक को हमें अच्छे से कवर करके ओवरनाइट ऐसे ही रहने देना। देखिए नेक्स्ट डे इसमें कितना अच्छा सा कलर आ गया हीना में। हमारी हीना अच्छे से भीग चुकी है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी एलोवेरा जेल। आप चाहे तो इसमें विटामिन ई का कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ और इसे मुझे अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। एलोवेरा जेल को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे अपने बालों की जड़ों पे लगाऊंगी, जहाँ से मेरे बाल सफ़ेद हैं। और मैं इसको पूरे बालों पे अप्लाई नहीं करूंगी, सिर्फ टू टचअप कर रही हूँ, क्योंकि जड़ से जो बाल आते हैं वो वाइट होते हैं, पीछे के बालों में तो हीना का कलर काफ़ी टाइम तक रहता है। तो इसे मैंने अप्लाई कर लिया और 3-4 घंटे हो चुके हैं। मैं इसे वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं बाल कितने शाइनी हो गए और उन पर कलर आ चुका है। नेक्स्ट डे यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ सेकेंड स्टेप हमारा इंडिगो पाउडर। तो ये है अत्तर आयुर्वेदा का इंडिगो पाउडर, हर्बल इंडिगो पाउडर। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है और इसका प्राइस जो था 260 रुपीज़ है। इसे भी मैं एक दो बार यूज़ कर चुकी हूँ और आज तीसरी बार इसे यूज़ कर रही हूँ। तो इसे यूज़ करने से पहले हमारे बालों में हीना का कलर होना चाहिए। जैसे कि हमने हीना का एप्लीकेशन किया था, हमारे बालों में उसका अच्छा से कलर आ गया। उसके नेक्स्ट डे मैं इसको लगा रही हूँ अपने बालों में। तो ये देखिए कुछ इस तरह से पैकेजिंग में है और ये देखिए मैं इसे दो बार यूज़ कर चुकी हूँ, आज तीसरी बार इसे यूज़ कर रही हूँ। तो ये हीना की तरह से हमें पूरी रात भिगा के नहीं रखना होता। जिस दिन हमें इसे अप्लाई करना है, इसे सिर्फ आधा घंटा पहले इसे हमें भिगा लेना है। और इसको भिगाने के लिए हमें हल्का गुनगुना पानी चाहिए, ज़्यादा गर्म पानी नहीं, हल्का गुनगुना पानी। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसे गर्म पानी में अच्छे से भिगा लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें भी कोई लम्स ना रहे। तो ये देखिए पैक हमारा अच्छे से, इसको अभी हमें और चलाना है, काफ़ी स्मूथ सा पैक बनेगा ये। और ये काफ़ी थिक होता है, इससे बालों पे बहुत ज़्यादा, मतलब बाल बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं। तो आप चाहे तो इसमें मतलब दही मिला सकते हैं, जिन लोगों के बाल ज़्यादा ड्राई हैं, रफ हैं, तो वो इसमें कर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैंने लिया है एलोवेरा जेल। और कुछ लोग तो इस पर नमक भी मिलाते हैं, नमक जो होता है इसमें एक्टिवेटर की तरह काम करता है, इससे जो इंडिगो होता है वो काफ़ी कलर रिलीज़ करता है। लेकिन मैं यहाँ साल्ट का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मुझे तो डर लगता है भाई नमक लगाने से कहीं बाल और सफ़ेद ना हो जाए। तो ये मैंने एलोवेरा जेल इसमें इस तरह से निकाल लूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए ये एलोवेरा जेल है, इसे अच्छे से इसमें चलाना है। ये देखिए, और ये देखिए कितना स्मूथ सा पैक बन गया। ये हलवे की तरह हो जाना चाहिए, कोई लम्स वगैरह इसमें नहीं होने चाहिए। इसे भी खाली मैं अपने बालों की जड़ों पे लगाऊंगी, जहाँ से मेरे बाल मतलब वाइट होते हैं ना, और वहाँ जहाँ मैंने हीना भी मैंने वहीं अप्लाई की थी, उसे भी मैंने हीना को भी रूट टचअप किया। इसे भी हम खाली रूट टचअप करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इसे यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि आप पूरे बालों में इसका एप्लीकेशन करें, क्योंकि बाद में क्या होता है, बाल पीछे से तो काले रहते हैं, जड़ों से नए बाल आते हैं वो वाइट होते हैं। तो 30-45 मिनट हो चुके हैं इसे भिगाए हुए और देखिए इसमें अच्छा सा कलर आ रहा है, आपको बाउल में दिख रहा होगा। इसे भी मैंने खाली रूट टचअप किया है, खाली जड़ों पे लगाया है, देखिए पूरे बालों में नहीं लगाया। और इसे भी 3 घंटे रहने देंगे। तो देखिए ये सूख चुका है और इसमें देखिए पर्पल सा कलर आ चुका है।
तो इसका मतलब है कि हमारे बालों पे इसका कलर लग चुका है, चढ़ चुका है। अब मैं इसको वॉश करूँगी और वॉश करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इसको लगाने के बाद, हेयर वॉश करने के बाद हमें 2 दिन तक ऑयलिंग नहीं करनी है, क्योंकि ऑयलिंग करेंगे ना तो वो फिर कलर जो है छूटने लग जाएगा बालों से। तो आपको ध्यान रखना है कि हीना एप्लीकेशन मतलब इंडिगो एप्लीकेशन के 2 दिन बाद तक आपको ऑयलिंग नहीं करनी है, 2 दिन तक। उसके बाद आप चाहे तो शैम्पू कर सकते हैं बालों में। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।